तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सितंबर का महीना और सैमसंग अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के लिए फाइनली रिलीज कर रहा है सितंबर सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो गाइस यहाँ पे M30s के अंदर सितंबर अपडेट देखने के लिए मिलेगी तो क्या न्यू फीचर्स हो सकता है, क्या यहाँ पे बग्स फिक्स किए जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे M30s के अंदर काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना यार। उससे पहले लाइक नहीं किया तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो सैमसंग है अपना सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट है बेसिकली वो रिलीज कर चुका है, देन यहाँ पे मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे सिंपली जाकर वॉच जरूर कर लेना, देन आप लोगों को पता लग जाएगा उस वीडियो में कि आप लोगों का डिवाइस जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है या फिर नहीं सिक्योरिटी पैचेस अपडेट लिस्ट में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे M30s के सितंबर अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि M30s को पिछला अपडेट मिले हुए यहाँ पे काफ़ी दिन हो चुके हैं, देन यहाँ पे सैमसंग अभी तक M30s के लिए न्यू अपडेट रिलीज नहीं किया है, देन यहाँ पे पिछला अपडेट में आप लोगों को काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हीटिंग इशू, स्लो चार्जिंग एंड यहाँ पे टच प्रॉब्लम। फिर से हम लोग नेटफ्लिक्स पे अदरवाइज वीडियो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को हाई रेजोल्यूशन वीडियो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। बाय द वे यहाँ पे वाइड बैंड 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, बट गाइस यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन हम लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं M30s के अंदर। यहाँ पे तो काफ़ी सारे यूजर्स को ऑटो रिबूट का भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ होकर फिर ऑन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे न्यू अपडेट में फिक्स किए जाएंगे एंड यहाँ पे सितंबर की अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो दोस्तों आप लोगों को फाइनली वो सब अपडेट में फिक्स देखने के लिए मिलने वाली है। एंड यहाँ पे अदरवाइज बात करें रिलीज डेट के बारे में, तो गाइस आप लोगों को अपडेट जो देखने के लिए मिलने वाली है वो यहाँ पे मिड सितंबर से लेके आप लोगों को एंड सितंबर तक फाइनली अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगी, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स के साथ अपडेट रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी M30s से रिगार्डिंग। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दो, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।